25 दिसंबर वर्ष 1935 जब गांधी जी ने वर्धा में चल रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर का दौरा किया। इस दौरान सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार जी के साथ चर्चा करते हुए गांधी जी ने जब डॉक्टर हेडगेवार जी से पूछा, आपकी एक स्वयंसेवक की सटीक धारणा क्या है, तब डॉक्टर साहब ने गांधी जी को बताया, स्वयंसेवक वह व्यक्ति है जो प्रेम पूर्वक अपने देश की चहुमुखी प्रगति के लिए अपना जीवन समर्पित कर सके। ऐसे स्वयंसेवकों का निर्माण करना और उन्हें उस ओर मोड़ना ही संघ का उद्देश्य है। संघ में एक स्वयंसेवक तथा एक नेता में कोई अंतर नहीं है। हम सभी स्वयंसेवक हैं और बराबर हैं। हम सभी को समान रूप से प्यार करते हैं और आदर प्रदान करते हैं। हमारे बीच पद संबंधी अंतर के लिए कोई स्थान नहीं है। वास्तव में यह सच आज इतने कम समय में और बिना किसी बाहरी सहायता, पैसा या प्रचार के संघ की अपार सफलता और उन्नति का राज है। आज के संस्मरण में बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए संस्मरण के साथ।